और सीधा ही आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि कल दिल्ली दौरे पर थे सीएम अशोक गहलोत और आज जयपुर में हैं और पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधी तस्वीरें राजस्थान पुलिस मुख्यालय की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में कानून व्यवस्था और तमाम बिंदुओं को लेकर बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय पहुंचे, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देख रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय। तो पुलिस मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली दौरे पर थे और वहां पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन अब जयपुर में हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय पहुंचे, यहां पर बैठक होनी है और इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत के साथ तमाम आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस दौरान प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बैठक शुरू हो चुकी है, विधिवत आगाज इस बैठक का हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के साथ तमाम आला अधिकारी पुलिस विभाग के नजर आ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होनी है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पीएचक्यू में ये बैठक हो रही, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत मंथन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कानून व्यवस्था प्रदेश में और ज्यादा दुरुस्त हो, इसको लेकर पीएचक्यू पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और पुलिस हेडक्वार्टर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सत्यनारायण इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पुलिस मुख्यालय पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, कानून व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या एजेंडा आज इस बैठक का? देखिए अनुप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार हो रहा है कि प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय के अंदर अपराध की मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ी भारी बात है कि इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक दे रहे हैं। कुछ समय पहले जब भाजपा की सरकार थी उसमें वसुंधरा राजे पुराने पुलिस मुख्यालय गई थी, लेकिन इस नए मुख्यालय में पहली बार अशोक गहलोत आए हैं और अपराध को लेकर चर्चा करेंगे। साथ साथ जो पुलिस है उसकी मजबूती को लेकर, अपराध पर किस प्रकार से लगाम लग सके उसको लेकर पूरी जानकारी को चर्चा करें। साथ साथ इसके अलावा जो कपिल गर्ग डीजीपी है, उन्होंने डिकॉय ऑपरेशन चला रखे हैं पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, तो कपिल गर्ग उसकी जानकारी दी। करीबन पिछले 7 दिन पहले से ही पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी इस मीटिंग को लेकर कार्यरत थे, रणनीति मार्ग से योजना मार्ग से किस प्रकार की समीक्षा रिपोर्ट यहाँ वो पेश करेंगे वो देखने वाली बात है। साथ साथ ये भी सुना जानकारी दे रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले गृह विभाग में बड़े फैसले हो सकते हैं, और जो अन्य जो आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है और मीटिंग शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग में चर्चा दे रहे हैं, शुरू कर बिल्कुल। सत्यनारायण, पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, जरा वो बताइए कौन कौन से अधिकारी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए खुद डीजीपी कपिल गर्ग यहाँ मौजूद है, इसके अलावा डीपी गुप्ता यहाँ मौजूद है, कुलदीप राठा यहाँ मौजूद है, कानून व्यवस्था के जो एडीजी में राठा वो यहाँ मौजूद है, और पीके सिंह एडीजी क्राइम डीएस धोनी सहित आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। और सभी का एक चीज है की जो सीएम यहाँ होती है और अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्यतः राजस्थान प्रदेश की जो अपराध की स्थिति है, दुष्कर्म की जो घटनाएं बढ़ रही है उसमें किस प्रकार के रोकथाम हो सकती है, किस प्रकार से नए कड़े कानून कायदे बन सकते हैं, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ मौजूद है, सभी से समीक्षात्मक रिपोर्ट दी जाएगी और जो योजना बना रखी है डीजीपी कपिल गर्ग ने और जयपुर शहर के कमिश्नर
आनंद श्रीवास ने जो योजना बनाई है कानून व्यवस्था सही रखने के लिए, साथ साथ अपराध पर लगाम लगाने के लिए, पुलिस के लिए, तो उसकी सब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इस मीटिंग में जरूर निकल जाएगा और वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग में बड़े फैसले भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सत्यनारायण, चूंकि हमने देखा था थानागाजी मामला जिस तरीके से सामने आया और एफआईआर दर्ज करने को लेकर प्राथमिक स्तर पर बहुत परेशानी होती है पीड़ितों को, और ये सिर्फ थानागाजी का मामला नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए, तब सीएम अशोक गहलोत ने एक्शन लेते हुए कहा था कि एसपी ऑफिस में भी ये एफआईआर दर्ज हो सकती है और उसके बाद एक्शन भी होगा संबंधित लोगों पर जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस तरह के कुछ और मजबूत फैसलों की आज उम्मीद की जाए इस बैठक में? जरूर, चूंकि ये घटनाएं हुई, दुष्कर्म की घटनाएं हुई और अन्य जो आपराधिक अपराध हुए राजस्थान प्रदेश के अंदर, तो उसको देखते हुए खुद प्रदेश के मुख्य गहलोत ने फैसला लिया कि वो खुद अपराध की समीक्षा करेंगे, पुलिस मुख्यालय के अंदर मीटिंग लेंगे, आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे और शायद यही कारण रहा कि अब डीजीपी कपिल गर्ग ने अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है जिस समय से उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तब से लेकर अब तक क्या अपराध के अंदर कमी आई, और उसके साथ साथ महिला उत्पीड़न की बात करें, हम दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बात करें, थानागाजी की जो घटना हुई उसको लेकर बात करें, तो किस प्रकार से पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया या फिर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई उसके भी यहाँ अवगत कराया जाएगा। मैं बता दूंगा आपको कि अभी जो संदेश मिला है हमको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंदर से कहलवाया है कि वहाँ एक मीटिंग चालू हो गई है, लेकिन वो अभी मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे। उनका मेन फोकस है राजस्थान प्रदेश के अपराध पर नियंत्रण लगना, साथ साथ पुलिस की मजबूती किस प्रकार से हो, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास की भावना किस प्रकार से पुलिस कार्य करे, यही सब इस मीटिंग में होगा। शायद इसीलिए जो प्रदेश के तमाम आईजी और एसपी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं और एक संदेश दिया जा रहा है पुलिस मुख्यालय और पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी उनको, सरकार किसी भी हालत के अंदर अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी और यही कारण है कि खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इस मीटिंग में मौजूद है। बिल्कुल सत्यनारायण, चूंकि ये देखा गया है कि सीएम अशोक गहलोत एक कठोर प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं, प्रशासन पर उनकी जो पकड़ है या जिस तरीके से कठोर फैसले वो प्रदेश में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी लेते रहे, पिछली सरकारों में भी, लग रहा है कि आज जो बैठक हो रही है उसका जो असर है वो ग्रास रूट लेवल तक जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, खुद गहलोत मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक हो रही है, मंथन ये हो रहा है, चूँकि जिस तरीके से तमाम राज्यों में रेप और गैंगरेप जैसी घटनाएं इन दिनों काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर भी एक प्लान यहां तैयार किया जाएगा कि इस लेवल पर अगर कोई परेशानी सामने आती है, ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो कम से कम एफआईआर के लेवल पर सबसे पहले कार्यवाही हो। बिल्कुल, अपराध पर नियंत्रण साथ साथ पुलिस की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जहां जांच थानागाजी जो मामला आया तो उसको लेकर पुलिस की काफी सूत हुई, पुलिस महकमे का सूत हुई, 5 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो ऐसे अंदर अब पुलिस अशोक गहलोत खुद ये चाहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण किस प्रकार से लगे, पुलिस की मजबूती कैसे हो, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की भावना कैसे पैदा हो, और यही सब समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं आला अधिकारियों से। खुद यहाँ पर डीजीपी कपिल गर्ग ने समीक्षात्मक रिपोर्ट बनाई है, जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया तब से लेकर अब तक कितने % अपराध बढ़े हैं और उन अपराधों पर किस प्रकार से लगाम लगाई, क्या कुछ कार्रवाई हुई, और विशेषकर बता दूं आपको कि प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महिला उत्पीड़न दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं उस पर अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, किन किन महिलाओं को न्याय मिल सका, कितना अब न्याय नहीं मिला तो किस कारण से न्याय नहीं मिला, तो इन सभी बातों को लेकर एक समीक्षात्मक रिपोर्ट यहाँ पेश की जाएगी पुलिस की ओर से। एडीजी क्राइम खुद बी एस सोनिया मौजूद है, तो देखने वाली बात होगी मीटिंग जब हो जाती है तो मीटिंग के बाद में क्या कुछ अहम फैसले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या लेंगे। जी बिल्कुल सत्यनारायण, पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी क्या कुछ बड़ी घोषणा की उम्मीद की जाए आज इस बैठक से? देखिए बता दूं आपको कि मैं जब डीजीपी कपिल गर्ग ने जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने साफ ये बात कही थी कि वो खुद भी ये बात चाहते हैं कि साप्ताहिक अवकाश मिले, क्योंकि लंबी ड्यूटी हो जाती है, नंबरी की काफी कमी है पुलिस विभाग के अंदर और प्रत्येक पुलिसकर्मी को 24 घंटे काम करना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, और यही बात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी जाएगी कि वो जो पुलिस महकमा है उसके अंदर, क्योंकि तमाम जो राजकीय महकमे हैं सभी को साप्ताहिक अवकाश मिलते हैं, लेकिन एक पुलिस महकमा ही ऐसा विभाग है जहां पर पुलिसकर्मियों को कोई अवकाश नहीं मिलता है, और ये बात कपिल गर्ग खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष रखी जाएगी, अधिकारी बात रखेंगे जो कोई पुलिसकर्मी होता है जो 24 घंटे सर्विस विभाग को अंदर जनता की सेवा खड़ा रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं साप्ताहिक अवकाश मिल सके, और हम शुरुआत ये बात कहते आ रहे हैं कि जब मीटिंग खत्म होगी तो हो सकता है अशोक गहलोत की मीटिंग के बाद कुछ बड़े और अहम फैसले गृह विभाग के लिए जरूर रखेंगे। चलिए सत्यनारायण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में
पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बैठक की जा रही है और वास्तविक स्थिति ज़मीन पर क्या है और अब आगे क्या प्लान हो जिससे कि प्रदेश में अमन और चैन बना रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, पटरी पर सरपट दौड़े, इसको लेकर ये मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले दिल्ली दौरे पर थे और वहाँ भी मुलाकातों का दौर चल रहा था, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद जब मुख्यमंत्री जयपुर पहुँचे उसके बाद प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको लेकर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया। और इसी कड़ी में आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त एक बैठक को ब्रीफ कर रहे हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बैठक हो रही है।